गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में पर्यटन बढ़ाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन ज्योतिसर तीर्थ पर अव्यवस्था का आलम यह है कि वहां पर आने वाले पर्यटक खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, वह भी तब जब यहां पर बंदरों ने आतंक मचा रखा है। ज्योतिसर तीर्थ पर स्थित बंदरों की टोली ने आने जाने वाले लोगों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसमें कई लोगों को बंदर अब तक काट चुके हैं, इनमें कई पर्यटक और स्थानीय लोग भी शामिल हैं। ज्योतिसर के वृक्षों पर बंदरों के झुंड आने जाने वाले लोगों से न केवल खाने के पैकेट छीन लेते हैं, वहीं स्थानीय लोग भी इन बंदरों से काफ़ी परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बंदरों के चलते पर्यटकों का आना भी कम हो जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि बंदरों के आतंक से उन्हें जल्द मुक्ति नहीं दिलाई गई तो वह गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर तीर्थ के द्वार को बंद कर देंगे। इस समय हम हैं कुरुक्षेत्र के गांव ज्योतिसर में और आप लोगों को बता देते हैं कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर बंदरों का आतंक छाया हुआ है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है जिस टाइम, वो बंदरों की है। बंदरों ने यहाँ पर पूरा आतंक मचाया हुआ है और यात्री आते हैं तो यात्रियों के छोटे छोटे बच्चे भी साथ में होते हैं, तो परसों भी कई बच्चों को काट खाया है बंदरों ने, लेकिन प्रशासन कोई भी सुध नहीं ले रहा है। क्योंकि ये देखिए, आप ये दिखाइए, पंजाब केसरी अखबार में भी ये हमने छपवाया है कि बंदरों ने कितना आतंक यहाँ ज्योतिसर तीर्थ पर मचाया हुआ है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इन बंदरों को यहाँ से हटाकर कहीं जंगल में छोड़ा जाए, नहीं तो फिर गांव वाले कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। हमें है ना बहुत दिक्कत आ रही जी, यहाँ पे बंदर है ना पूजा भी नहीं करने देते, हम तो डरते भाग जावे, अब ताते भी नहीं मंदिर में, जो नहीं इसका कुछ जो है। मेरा नाम पाला राम दीवान, मेरी यहाँ पे दुकान है और यहाँ जो मंदिर पे श्रद्धालु आते हैं, बंदरों ने उनको कई तो कई बच्चे बुजुर्ग काट काट के उनका बुरा हाल कर दिया है और ना कोई इसका प्रशासन कोई दे कौंतल कोई कार्रवाई कर रहा है। हमने पहले MLA साहब को भी कहा, DC साहब को भी कहा, सबको हमने तो इसके बारे में सब बताया, लेकिन यात्री इतने परेशान हैं, ना तो कोई यहाँ पे धोख मार सकते हैं और ना ही डर के मारे मंदिर के गेट से वापसी हो जाते हैं। क्या अपील है प्रशासन से? प्रशासन से अपील है कि इन बंदरों को कौन तरीन का कुछ ना कुछ जंगल में छोड़ा जाए ताकि यात्री आके यहाँ दर्शन कर सके और आके अपना कौन तले इन बंदरों के डर से इन बंदरों को दबाया जाए। समस्या ये है, मेरा नाम पंडित सुखपाल भार्गव, ठीक है। तो यहाँ बंदरों ने इतना परेशान किया हुआ है कि रोज़ 5-7 यात्रियों काटते हैं, यहाँ कोई नहीं सुनता। DC को भी वो क्या कहते भेज दिया सब कुछ लिख के, कोई अखबारों में निकाल ली, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। फेसबुक यहाँ डाल ली, कोई सुनवाई नहीं है। मैं विष्णु जिंदल, यहाँ स्थानीय दुकानदार हूँ यहाँ पे, और यहाँ बंदरों की बहुत भारी समस्या है। हमारे गांव वालों ने मंदिर में आना बंद कर दिया है, आए दिन यहाँ यात्रियों को बंदर काटते हैं, हमला करते हैं और हम दुकानदार लठ लेके बंदरों को भगाते हैं, उनको बचाते हैं। प्रशासन से हमें प्रार्थना है कि हमें इसे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया जाए। मंदिर का पुजारी हूँ और यहाँ पर बंदरों ने बहुत आतंक मचाया हुआ है और इसी वजह से यात्री ना तो दर्शन कर पा रहे हैं, ना कोई मंदिर के अंदर आ रहा है। अगर कोई यात्री मंदिर के अंदर पूजा करने भी आ जाता है, गांव वाले आ जाते हैं या यात्री आता है, तो उसको बंदर बहुत काटते हैं। यहाँ पे कम से कम 30-40 बंदर हैं जो आतंक मचाया हुआ है, उस वजह से यात्री परेशान होकर हमें सूचना करते हैं। हम पुलिस वालों को, MLA वालों को, MLA वगैरह तक को खुद बताया गया, हमने एप्लीकेशन दी गई है, यहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमने गाँव वालों ने ये अल्टीमेट दिया हुआ है भाई 10 दिन के अंदर अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो मंदिर के गेट का ताला लगा दिया जाएगा।